तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं कॉल ऑफ दी नाइट के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है। इस एनीमे में हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है यामोरी, जो कि बाहर घूमने के लिए निकला था, वो भी रात को। तभी वहाँ पर उसको एक लड़की से मुलाकात होती है जिसका नाम होता है नेजुना, जो कि एक वैम्पायर है। नेजुना कैसे भी करके उसको अपने घर ले जाती है और उसका इंटेंशन यही रहता है उसका खून पीना। तो आगे क्या होगा आप उसका पहला एपिसोड देख लेना, फिर उससे आपको ये पता चल जाएगा एनीमे कितना अच्छा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस एनिमे के एडवांटेज के बारे में कि हमें क्यों देखना चाहिए। इस महीने में बहुत सारे एनिमे अच्छे अच्छे रिलीज़ हुए हैं, तो उसमें हम अपना क्यों टाइम दें। तो सबसे पहले इसकी एनिमेशन क्वालिटी, जो कि सब एनिमे से अलग है। आपने बहुत सारे एनिमे देखे ही होंगे, जैसे डीमन स्लेयर हो गया, जुत्सु काइसन हो गया, लेकिन इसकी एनिमेशन सबसे अलग है। एक अच्छी बात है इसकी यूनिक स्टोरी, हर एक एपिसोड में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि ऐसा होगा, लेकिन उससे कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। मुझे इसमें सबसे अच्छा कैरेक्टर जो लगा था वो है नेजुना। उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट अलग थी, क्या पता वो आपकी वाइफू लिस्ट में भी आ जाए। अगर आपने इस एनिमे को ट्राई नहीं किया तो आप ट्राई कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इस एनिमे की कुछ नेगेटिव फैक्टर्स की, जो कि मुझे फील हुए थे, जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला है तो इसमें हमारे मेन कैरेक्टर का गोल है कि उसे वैम्पायर बनना है। अगर उसे वैम्पायर बनना है तो उसे किसी वैम्पायर के प्यार में पड़ना पड़ेगा। उसके लिए हमें इस एनिमे में जो डेवलपमेंट दिखाई है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं दिखाई गई है। कैरेक्टर मतलब स्टोरी जो चल रही है उस पर बाहर वैम्पायर पर ज़्यादा फोकस किया है, ना ही जो मेन कैरेक्टर का गोल है उस पर। तो मुझे ये थोड़ा सही नहीं लगा। और इसके कुछ दूसरे या पांचवे एपिसोड में थोड़ी बहुत बोरिंग ही फील होती है, लेकिन इस सिक्स्थ एपिसोड से जो डेवलपमेंट होता है वो एक नेक्स्ट लेवल था। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आप किसी अच्छे यूनिक स्टोरी एनिमे की तलाश कर रहे हैं तो आप इस एनिमे को ज़रूर देख सकते हैं। अगर आपने इस एनिमे को देख लिया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि मैं और भी ऐसे एनिमे के रिव्यूज़ लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।